वो इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले बहुत पहले बाहर आएंगे और खुद ही अपना कैंपेन जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी रहनुमाई करेंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह 8 फरवरी को होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो तिहाई लेने से कोई नहीं रोक सकता है। जिन्होंने भी उन्हें पाबा सलासल किया है उन पर मैं कहता हूँ कि अल्लाह ही उन पर रहम करे। अगर इस तरह से हम वज़ीर-ए- आज़म को अंदर करने लगे जिस तरह इहाता किया जस्टिस अज़हर मिनल्ला साहब ने कि हम अपने वज़ीर-ए- आज़म को किसी को फांसी देते जाएं, किसी को पाबा सलासल करते हैं, किसी को हम ताहयात जो है ये नाअहल करते हैं, तो खुदारा ये खिलवाड़ जमहूरियत के साथ बंद करना चाहिए, बंद होना चाहिए। सो मुझे यकीन है कि वो इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले बहुत पहले बाहर आएंगे और खुद ही अपना कैंपेन जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी रहनुमाई करेंगे, क्यादत करेंगे और फिर अवाम ही की जो है सवाब दीद है और अवाम का हक है कि वो अपना जो है पसंद के उम्मीदवार को फैसला भी उनके हक में दें और उनको मुंतखब करके बाज़ औक़ात एक देखें एक तभी एक मजबूत हुकूमत आ सकती है।